आज के इस खास वीडियो में हम कैनानाइट स्पूल के द्वारा हिजकिय्याह की सुरंग के द्वारा और दाऊदपुर से शिलोकुंड तक के रास्ते को दिखाएंगे और ये तीनों महत्वपूर्ण रास्ते आज की इस खास वीडियो में आप देखने जा रहे हैं, जो कि यरूशलेम, जो प्राचीन यरूशलेम था, वो सिटी ऑफ डेविड था जहाँ पर दाऊद निवास करता था, दाऊदपुर था। इसीलिए आज की इस खास वीडियो में आपको कैनानाइट स्पूल, यहोन स्प्रिंग के बिल्कुल जो ऊपर है, यहोन स्प्रिंग जहाँ पर सुलेमान राजा का अभिषेक हुआ यहोन स्प्रिंग के ऊपर, और उसके बाद हिजकिय्याह राजा की सुरंग, और उसके बाद कैनानाइट्स पुल और कैनानाइट्स का वो रास्ता जो शिलोकुंड तक जाता है। तीनों रास्ते पर आज हम देखेंगे और दाऊदपुर में ही ये तीनों रास्ते पाए जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास है, इसको जरूर से देखिए। यह सिटी ऑफ डेविड और ये दाऊद के जहाँ पर वो निवास करता था वहाँ तक जाने का रास्ता है और ये इस जगह पर स्थित है। मैं फोटो लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। एक रास्ता तो ये है जो राजा की बारी तक जाता था, गार्डन तक जाता था, किद्रोन वैली से होकर शिलोकुंड तक। एक सीधा सीधा रास्ता ये है क्योंकि प्राचीन यरूशलेम यही है और दाऊद राजा के समय पर भी यरूशलेम यही था और यहाँ से परमेश्वर का भवन जिस जगह पर था, और यह पर्वत बहुत ऊंचाई पर था, जैसे कि आप देखेंगे बहुत ही ऊंचे स्थान पर, लगभग जितना जैतून पर्वत जो आप सामने देख रहे हैं उतना ही ऊंचा यहाँ पर था। और आज के आधुनिक युग में क्योंकि इतनी खुदाई हो गई और ये जगह बार बार नष्ट की गई, उसके कारण आज ये जगह की ऊंचाई काफी कम हो गई है, परंतु उस समय पर ये बहुत ही टॉप मोस्ट ऊंचा स्थान था जहाँ पर दाऊद राजा ने परमेश्वर के लिए वेदी को बनाया था मोरिया पर्वत पर, और नाम यमूसी से खेत कल्याण को खरीदने के बाद, और उसने अपना महल इस जगह पर बनाया था और यहाँ से वो उस जगह पर गया था और नाम यमूसी से खरीदने के लिए वो खेत। और जैसे आप ये देख रहे हैं कि इतनी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, पुराने नियम में इसको लिखा गया है, और ये सीढ़ियों का रास्ता था, ये उतर कर किद्रोन वैली तक जाता था और उसके आगे शिलोकुंड तक ये रास्ता जाता था, और इस रास्ते पर राजा दाऊद चले, उनकी वंशावली चली, यीशु मसीह भी इस रास्ते का उपयोग करते थे बहुत ज़्यादा। और ये सीधा सीधा रास्ता है जो ऊपर से सीढ़ियों के द्वारा नीचे उतरता था, और इसी रास्ते के अंदर हिजकिय्याह राजा की सुरंग और वो कैनानाइट्स पुल और गिहोन स्प्रिंग का रास्ता, आज हम तीनों रास्ते को देखेंगे। तो ये वीडियो को पूरा देखिए और आप सिटी ऑफ डेविड के बारे में एक एक चीज़ें समझ जाएंगे, एक एक चीज़ें जान जाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो ज़रूर से वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप समझ सकें। और ये बिल्कुल ऊँचे से नीचे पर उतरा जा रहा है एक ही रास्ता, इसे आप देखेंगे गौर से। और ये रास्ता कैनानाइट्स पुल की तरफ भी जाता है, ये इस वीडियो में आप देखेंगे। और इसी जगह के विषय में दाऊद राजा ने जब वो अपने महल में रहा करता था और वो जब अपनी जगह को देखता था, तो उसने लिखा है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है, और जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। कि दाऊद राजा के विषय में जैसे मैंने बताया कि यही प्राचीन यरूशलेम था और जब वो अपने महल में रहता था जैसे आपने देखा है, और वहां से चारों ओर आप देखेंगे आपको पहाड़ी पहाड़ मिलेंगे, सिय्योन पर्वत, माउंट ऑफ ऑलिव्स, और सेंट्रल वैली थी और एक वेस्टर्न हिल थी, और चारों ओर पहाड़ से परमेश्वर ने घाटियों के द्वारा दाऊद राजा को संभाला हुआ था और उसको सुरक्षित किया था। इसलिए परमेश्वर के लिए दाऊद राजा सिय्योन और यरूशलेम का जो जिक्र करता है वो इसी जगह के विषय में करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके सब शत्रुओं से उसे विश्राम दिया था और यहाँ पर उसकी पीढ़ियों ने निवास किया। जैसे मैंने बताया कि ये वो पुरानी दीवार है जो कि दाऊद राजा से संबंधित रखती है, 4000 साल पुराना प्राचीन इसका इतिहास है। और ये रास्ता किद्रोन वैली से होता हुआ शिलोकुंड की तरफ जाता है, और यहाँ पर दाऊदपुर से सीढ़ियाँ उतरती थी, क्योंकि जैसे आपने देखा कि कितने ऊंचे पर्वत पर दाऊद रहा करता था और कितना नीचे से नीचे चढ़ के उतरना पड़ा, उतना नीचे तो ये जगह थी सिय्योन, और इससे भी ऊपर वो जगह होने वाली हो सकी जो सुलेमान राजा के द्वारा जहाँ पर परमेश्वर का भवन बनाया गया। और ये जो आपने घर देखे ये सब दाऊद के वीरों के घर थे, यहाँ पर दाऊद राजा के वीर रहा करते थे, जैसे हित्ती उरिया की पत्नी को भी उन्होंने यहीं पर ही देखा था, और यहाँ पर दाऊद राजा के वीर उस समय पर यहाँ पर भवन बने थे और वो लोग रहते थे। और इस गेट के आगे शिलोकुंड है। एक रास्ता तो ये है जो आपने देखा,
और अब एक दूसरा रास्ता जो आपने पहले जब दाऊदपुर से नीचे उतर रहे थे तो ये जगह जो आपने देखी थी, और इस रास्ते के द्वारा हम कैनोनाइट्स पूल की तरफ जाएंगे, और ये भी दाऊद राजा के दाऊदपुर से बिल्कुल अंडरग्राउंड की रास्ता है, और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें प्राप्त हुई। और अब हम जो हमने दाऊद राजा का भवन देखा था ऊपर से, अब हम उसके अंडरग्राउंड रास्ते से जाएंगे जो कि कैनोनाइट्स पूल है। आप देख सकते हैं कितना नीचे और कितना अंडरग्राउंड इसका प्राचीन इतिहास है। ये एक सुरंग का रास्ता है। उस समय पर तो यहाँ पर पानी हुआ करता था क्योंकि यहाँ से राजा की बारी थी जो कि सिस्ती थी, यहाँ पे गार्डन था, खेती बाड़ी यहाँ पर हुआ करती थी, परंतु आज के समय पर ये सूखी सुरंग है और लोग इसे विजिट करते हैं, और ये सिटी ऑफ डेविड में है। और तीन रास्ते आज की खास वीडियो में आप देखने जा रहे हैं, और ये एक अंडरग्राउंड रास्ता है जो कि दाऊद के भवन में, जहाँ पर दाऊद राजा का भवन जैसे आपने दाऊदपुर में देखा था उसके बिल्कुल नीचे है। ये गिहोन सोते के पास अंडरग्राउंड रास्ता निकलता है, और ये जगह जो आप देख रहे हैं गिहोन सोते से यहाँ पर मार्ग को बनाया गया और इसकी खुदाई की गई चार्ल्स फेरन के द्वारा, अनिशु क्रोन के द्वारा। यहाँ पर आर्क्योलॉजिस्ट आए, उन्होंने यहाँ पर खुदाई की और प्राप्त किया। एलियट मजार आए, बहुत से ऐसे आर्क्योलॉजिस्ट हैं। यह है गिहोन सोता, और यहाँ की प्राचीन फोटो भी मैं लगा दूंगी। और यहाँ पर राजा सुलेमान का अभिषेक हुआ था। ये कैनोनाइट्स पूल है, और ये बिल्कुल गिहोन सोते के बगल में ही था। फोर्टिफिकेशन वॉल भी थी यहाँ पर, मैं प्राचीन फोटो लगा दूंगी, आप देख सकते हैं दोनों चीज़ों को कि कहाँ पर क्या था। और यहाँ पर सुलेमान राजा का अभिषेक किया गया था, और किसी और वीडियो में खुल के मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ये प्राचीन वॉल 4000 साल पुरानी और उससे भी प्राचीन है, और ये राजा सुलेमान दाऊद राजा के समय की दीवारें हैं। और एक ही रास्ता, इसे भी आप गौर से देखेंगे, और इस रास्ते से भी हम आपको गिहोन स्प्रिंग से होते हुए इजिकिया राजा की टनल में, जहाँ पर पानी है जो कि आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर वो रास्ता ले जाएंगे। परंतु आज हम कैनोनाइट्स पूल की तरफ, जो कि एक सूखा रास्ता है, उसकी तरफ जाएंगे। ये कैनोनाइट्स पूल है, और उस समय पर यहाँ पर पानी हुआ करता था, परंतु आज के समय पर यहाँ पर पानी नहीं है। और ये रास्ता निशीलो कुंड की तरफ जाता है, जैसे आप देख रहे हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिए तो आप सब समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं, और जो भी कन्फ्यूजन्स है उनको दूर करने के लिए मैं यहाँ पर फोटो लगा दूंगी, तो आप देख सकते हैं ये कैनोनाइट्स पूल है और ये कहाँ पर स्थित है मैं आपको बता दूंगी। और ये राजा दाऊद के भवन के बिल्कुल अंडरग्राउंड हम जा रहे हैं। जो रास्ता हमने ऊपर से देखा, अब वो बाहर से कुछ इस प्रकार से दिखता है। और ये रास्ता जैसे आपने देखा, यहाँ पर राजा की बारी थी, वहाँ पर ये रास्ता खुलता है, और यहाँ पर खेती बाड़ी उस समय पर हुआ करती थी। सिंचाई के लिए ये रास्ता उपयोग किया जाता था। जैसे आपने देखा, पहले रास्ते से सीधा सीधे आए ऊपर से, और इस रास्ते से अंडरग्राउंड यहाँ पर आए राजा की बारी के पास, और दाऊदपुर से जो सीढ़ियाँ उतरती थी उसी रास्ते पर ये रास्ता खुला है। ये कैनोनाइट्स पूल है, लोग इसे विजिट करते हैं। जैसे मैंने बताया, यहीं पर खेती बाड़ी हुआ करती थी, सिंचाई के लिए ये जगह इस्तेमाल की जाती थी राजा सुलेमान के समय पर। और राजा दाऊद के विषय में तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर उनके वीर रहा करते थे, और उनके लिए यहाँ पर सिंचाई हुआ करती थी। और ये रास्ता भी शीलो कुंड की तरफ जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर राजा दाऊद के समय पर उनके वीर रहा करते थे, और अलग अलग तरीके से जो भी आप पहले इतिहास में पढ़ेंगे, वंशावली, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगी। और ये रास्ता सीधा शीलो कुंड की तरफ खुलता है। और नहीमिया 3 अध्याय में के 15वें पद में यह लिखा है, सोता फाटक की मरम्मत कोलाजे के पुत्र शल्लूम ने की, जो मिस्पा के जिले का हाकिम था, उसी ने उसको बनाया और पाटा, और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए, और उसी ने राजे की बारी के पास शीलो नामक कुंड की शहरपनों को भी दाऊदपुर से उतरने वाली सीढ़ी तक बनाया। ये पद जो बने गए वो यहीं तक बनाए गए, जो कि सुलेमान और दाऊद राजा के द्वारा बनाए गए थे, जो कि दाऊदपुर में थे। और उसी जगह पर सोता फाटक भी था, यहाँ पर शीलो कुंड है। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान, जो कि किद्रोन वैली से होता हुआ गिहोन स्प्रिंग
तक ये रास्ता जाता है। और बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पर गेहूं स्प्रिंग है, जो कि अपने प्रीवियस फोटो में जैसे मैंने आपको बताया था हिजकिया राजा की टनल और कैनोनाइट स्कूल के ऊपर एक रास्ता देखा था ये रास्ता। और ये रास्ता से अब होते हुए हिजकिया राजा की टनल की तरफ जाएंगे जहाँ पर पानी है, और ये गेहूं स्प्रिंग से होता हुआ ये मार्ग जाता है और ये हिजकिया राजा ने बनाया है। और बिल्कुल कैनोनाइट स्कूल के सामने ही ये रास्ता हिजकिया राजा की सुरंग है। मैं फोटो लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। ये भी एक अंडरग्राउंड रास्ता है जो हिजकिया राजा ने बनाया था, और जैसे हमारी बाइबल में लिखा है बिल्कुल उसी प्रकार ये रास्ता एक शीलो कुंड की तरफ खुलता है। और यहाँ पर कैनोनाइट स्कूल भी बगल में है, और उसके सामने से ये रास्ता हिजकिया राजा ने काट कर सुरंग बनाई थी। और इस रास्ते पर अभी पानी यहून स्प्रिंग के सामने से आता है, और ये रास्ता भी शीलो कुंड तक जाता है, जो कि बिजेंटाइन टाइम का जहाँ पर शीलो कुंड था और वहाँ पर ये रास्ता निकलता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि दो पुल थे, एक बहुत बड़ा जो कि एक ओलंपिक पुल जितना बड़ा था जिसे शीलो कुंड कहते हैं, और एक पुल जहाँ पर हिजकिया राजा ने पानी को पहुँचाया था वहाँ तक ये रास्ता जाता है। और आने वाले इसके आगे भाग में आप इस रास्ते के अंत को देखेंगे। और ये रास्ता अब जहाँ पर निकलता है वहाँ पर उस समय बिजेंटाइन टाइम का चर्च था, और ये किस प्रकार काट कर बनाई गई ये हिजकिया राजा की सुरंग है, और ये उन्होंने बनाया था हिजकिया राजा ने। गेहूं का सोता जो कि मुख्य पानी का उस समय पर एक उपचार था दाऊदपुर में, और उसी सुरंग उसके बगल से ही सुरंग को काट कर हिजकिया राजा ने पानी का एक और मार्ग बनाया, जो कि हिजकिया राजा की सुरंग भी इस जगह को कहते हैं। और टनल चैनल है, ये भी अंदर से एक रास्ता है और बहुत ही लंबी ये सुरंग है, और लोग इसको बहुत ऐसे विजिट करते हैं, जाते हैं, इस चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं। और इसमें जो पानी आ रहा है वो गेहूं सोते से, जो कि एकमात्र उस समय पर पानी का संसाधन हुआ करता था। और जैसे आपने पढ़ा है आदम के लिए जो चार महानदी में से जो चार भागों में बढ़ती थी उसमें एक नदी का नाम गेहूं भी था। और इस गेहूं सोते को इसीलिए बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसी के नाम की एक नदी उस समय पर अदन की वाटिका में थी। और ये गेहूं का पानी बहुत ही शुद्ध साफ पानी है, और गेहूं का सोता बिल्कुल किद्रोन वैली के नीचे से शुरू होता है और समस्त दाऊदपुर में पानी पहुंचाया जाता है, जैसे कि प्राचीन यरूशलम यही है जो आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड। और मैं फोटो लगा दूंगी कहाँ से कहाँ तक ये सुरंग है, बहुत लंबी सुरंग हिजकिया राजा ने बनाई थी, और आज भी ये सुरंग मौजूद है। यहाँ पर पानी है, और गेहूं सोते के ऊपर ही सुलेमान राजा का अभिषेक हुआ था, बहुत से लोगों का यहाँ पर अभिषेक हुआ था, यहाँ पर प्राचीन घटनाएं हुई हैं, और यीशु मसीह के समय पर भी ये मार्ग इस्तेमाल हुआ करता था। इसकी खोज की गई और ये दाऊदपुर में पाई गई, और दाऊदपुर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी बाइबल सत्य प्रमाणित होती है। जब भी इसकी खोज की जाती है अद्भुत डिस्कवरी सामने आती है, जैसे आप देख रहे हैं कितनी लंबी ये सुरंग है, और ये सुरंग बिल्कुल शीलो कुंड तक पहुँचेगी गेहूं स्प्रिंग से होते हुए किद्रोन वैली से होते हुए। और आज की इस खास वीडियो में आपने तीनों रास्तों को देखा, जो कि दाऊदपुर से शीलो कुंड तक पहुँचाए जाते हैं, जो कि प्राचीन यरूशलम है, और सबसे मुख्य यरूशलम यही है जो दाऊद राजा ने कैप्चर किया था और इसको यरूशलम की राजधानी बनाया, क्योंकि यहाँ पर यबूसी लोग रहा करते थे। और उसके बाद इस पवित्र भूमि पर ही सब कुछ शुरू हुआ, जहाँ पर सब कुछ शुरू हुआ वो यही पवित्र भूमि है। और इसके आप सब देख सकते हैं कि हिजकिया राजा ने जो एक्सपेंशन किए थे, जो काम किया था, वो आज भी मौजूद है, आज भी लोग देख सकते हैं, आज भी लोग विजिट करते हैं, छूते हैं, इसकी पवित्रता को महसूस करते हैं, कितनी पवित्र जगह है और हमारी बाइबल कितनी सच्ची है। मेरे प्रिय बाइबल की के वचनों पर विश्वास करें।
और ये रास्ता सिटी ऑफ डेविड के बिल्कुल अंडरग्राउंड, ये रास्ता है अंडरग्राउंड टनल में। आप देख रहे हैं इस वीडियो को क्योंकि प्राचीन यरूशलम यही है, तो हम इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से यरूशलम की जानकारी को प्राप्त करते हैं, वो भी बिल्कुल हिंदी में। और ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो का आनंद ले सकें। और ये हिजकिय्याह राजा का एक स्क्रिप्चर है शीलो कुंड के विषय में, ये रेप्लिका है और अभी ये म्यूजियम में है। और जिस प्रकार मैंने बताया कि ये बीजेंटाइन टाइम का शीलो कुंड है, एक और कुंड हुआ करता था और यहाँ पर पानी है और एक ही जगह पर है, मैं फोटो लगा दूँगी आप देख सकते हैं। और इस पुल से शीलो कुंड कितनी दूर है आप देख सकते हैं, ये शीलो कुंड है जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा। और ये रास्ता भी शीलो कुंड में खुलता है, ये उन स्प्रिंग से होता हुआ और सिटी ऑफ डेविड में। और ये बहुत ही देखिए ड्रेनेज चैनल आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार का शीलो कुंड था। और एक ये ओल्ड पिलग्रिम रोड है, इस रोड के विषय में खास बात यह है कि यहाँ पर प्राचीन पत्थर शीलो कुंड में जो पाए गए वही पत्थर साउथ वॉल में भी पाए गए हैं टेंपल माउंट के। और ये ओल्ड पिलग्रिम रोड यहाँ पर यीशु मसीह चले हैं, यहाँ पर तो 2-3 हज़ार साल पुरानी ये सड़क है। आज यहाँ पर जाने तो नहीं दिया जाता क्योंकि यहाँ पर एक्सकेवेशन चल रहा है, रेनोवेशन चल रहा है, परंतु इसके बगल में एक ड्रेनेज चैनल है। ये बहुत ही सड़क प्राचीन हाईवे था ये, और यहाँ से ये कुछ शॉप्स भी थी और यहाँ से एक मार्ग सीधे परमेश्वर के भवन तक जाता था। और यहाँ पर प्राचीन पत्थर है, रोमियन के समय के पत्थर हैं यहाँ पर। और एक पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए, तो वो मंदिर यरूशलेम मंदिर को ढा करके शीलो कुंड तक तोड़ा गया था। और ये पोडियम यहाँ पर से खड़े होकर प्रचार किया जाता था, खबर सुनाई जाती थी यीशु मसीह भी इस जगह पर आए हैं। और यर्मिया और यशाया नबी ने भी इस पर प्रचार किया होगा, किसी और वीडियो में इसकी जानकारी देंगे। परंतु एक ड्रेनेज रास्ता, एक तो ओल्ड पिलग्रिम रोड थी जो शीलो कुंड तक होते हुए सीधे परमेश्वर के भवन तक को पहुंचती थी। और ये जो मार्ग है ये विजिटर्स के लिए खुला है, ये है ड्रेनेज चैनल जो कि सीधा परमेश्वर के भवन तक पहुंचता है, ये मार्ग है ओल्ड पिलग्रिम रोड। और यहाँ पर ऊपर इसके घर हैं और इतनी खुदाई की मान्यता नहीं मिलती, लेकिन 2004 में ओल्ड पिलग्रिम रोड की खोज की गई अलीशु कुरान के द्वारा। और ये दाऊदपुर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसके अगले भाग को भी हम जल्दी से लेकर आएंगे कि ओल्ड पिलग्रिम रोड क्यों इतनी खास है, उस पर क्या क्या मिला और वो रास्ता जो परमेश्वर के भवन तक जाता है उस पर क्या क्या घटनाएं हुई है और क्या क्या अच्छी बातों को, जो प्राचीन बातें हैं, और क्या क्या सबूत है जो कि आपको देखने को मिलेंगे इसके अगले भाग में। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बाइबल पढ़िए ताकि परमेश्वर आपके हृदय में कार्य कर सके।